दोस्तों आज के वीडियो में हम बात करेंगे IRCTC से जब हम टिकट बुक करते हैं कुछ एरर आ रहा है। एरर क्या आ रहा है? जब हमारा टिकट बुक हो जाता है फिर भी वहाँ पे PNR शो नहीं कर रहा है और बुकिंग टिकट हिस्ट्री चेक करने के लिए बताया जा रहा है। बुकिंग टिकट हिस्ट्री चेक करते हैं वहाँ पे, आप लोग जब तत्काल टिकट बुक करिए होंगे तो आप लोगों को पता है बुकिंग टिकट हिस्ट्री 15 से 20 मिनट बाद शो करता है। हम लोग इस गलती के कारण 2 बार टिकट बुक कर लेते हैं। तो आज ऐसा ही हुआ है IRCTC के वेबसाइट के साथ और टिकट बुकिंग हो चुका था और PNR शो नहीं कर रहा था, कुछ इस टाइप का एरर देखने को मिल जा रहा था। जब हम बुक टिकट हिस्ट्री चेक कर रहे थे बुक टिकट हिस्ट्री भी चेक नहीं हो रहा था और ना ही PNR शो कर रहा है, क्योंकि आप लोगों को पता होगा बुक टिकट हिस्ट्री चेक करने के लिए आपको 15 से 20 मिनट वेट करना होगा। जब आप वेट करेंगे 15 से 20 मिनट तो आपका टिकट जो है जब तक ख़त्म हो गया होगा। तो इस स्थिति में आप लोगों को क्या करना है इसके बारे में हम बात करेंगे, लेकिन आगे बढ़ने से पहले भाई का भी नाम जान लीजिए। मेरा नाम है शैलेंद्र, आप देख रहे हैं टेक्निकल शैलेंद्र यूट्यूब चैनल। चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो दोस्तों हो क्या रहा है, जब हम IRCTC की वेबसाइट से आज एक टिकट बुक करने की कोशिश कर रहे थे, टिकट बुक तो हो गया था लेकिन वहाँ पे जब हम लास्ट में पेमेंट करते हैं तो PNR दिखाता है, तो PNR नहीं दिखा गया था और बुक टिकट हिस्ट्री चेक करने के लिए बताया गया। जब हम बुक टिकट हिस्ट्री चेक कर रहे थे तो वहाँ पे बुक टिकट हिस्ट्री भी शो नहीं कर रहा था, क्योंकि 15 से 20 मिनट बाद ही शो करता है। तो आप लोगों को क्या करना है सिंपल इस स्थिति में, क्योंकि यहाँ पे आप टाइम वेट करेंगे 15 से 20 मिनट तो आपका टिकट यहाँ पे जितने भी अवेलेबल होंगे प्रीमियम तत्काल या नॉर्मल तत्काल में तो भी खत्म हो जाता है होली के ऐसे त्यौहार में। तो आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकता है, क्योंकि आपको पता भी होगा वेटिंग टिकट से आप लोग ट्रेन में सफ़र नहीं कर सकते हैं, क्योंकि आपको पता है वो कोरोना काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहा है। इसकी वजह से गाइडलाइंस रेलवे ने यहाँ पर जारी किया है, यदि आप लोग के पास कंफर्म टिकट होगा तभी आप सफ़र कर सकते हैं, ई टिकट हो या फिर आई टिकट हो। तो यहाँ पे आप लोगों को क्या करना है, सबसे पहले उस पेज को लॉग आउट करना है। लॉग आउट करने के बाद फिर से आपको उसी जिस आईडी से आपने टिकट बुक कर रहे थे उसी आईडी को आपको लॉगिन करते ही सबसे पहले आपके सामने कुछ इस टाइप का इंटरफेयर देखने को मिल जाएंगे। फर्स्ट में आपको ट्रांजेक्शन स्टेटस देखने को मिल जाएंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ट्रांजेक्शन एक स्टेटस में यहाँ पर टिकट बुकेट दिखा रहे हैं, यानी कि टिकट बुक हो चुका है, लेकिन जब ऐसे हम इस पर क्लिक करते हैं फिर से यहाँ पे बुक टिकट हिस्ट्री चेक करने के लिए बताया गया होता है और यहाँ पे लास्ट ट्रांजेक्शन कुछ भी शो नहीं कर रहा है। तो इस स्थिति में सिंपल आपको यदि ट्रांजेक्शन स्टेटस में आपको यदि टिकट बुक दिखा रहा है तो आप लोगों को सेकेंड टाइम बुक नहीं करना है, और अभी जो है तो आपको यहाँ पर आपको 15 से 20 मिनट वेट करना होगा। वेट करने के बाद आप टिकट हिस्ट्री चेक करेंगे तो आपको टिकट यहाँ पर बुकिंग दिख जाएगा। तो कभी कभी ऐसा होता है इस गलती के कारण आप लोग 2 बार टिकट बुक कर लेते हैं, क्योंकि तत्काल टिकट कैंसिल नहीं हो पाता है। यदि कैंसिल करते हैं तो आपको 1 भी रुपये रिफंड नहीं मिलेगा। इन बात को जानना जरूरी था। ये सब हो क्यों रहा है, सर्वर पे ज़्यादा लोड होने के कारण ये सब प्रॉब्लम आ रहा है। अभी जो प्रॉब्लम भी आ रहा है, जब आप टिकट बुक कर लिए होंगे यदि अगर प्रिंट आउट निकालने की कोशिश कर रहे हैं तो यहाँ पर प्रिंट आउट भी नहीं निकल रहा है, तो यहाँ पे आपको आधी से 1 घंटा वेट करना होगा। जैसे ही सर्वर पे लोड कम होगा तो ये सब प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो जाएगा। तो बस आज के वीडियो में बस इतना ही। वीडियो पसंद है लाइक करना, साथ ही साथ टेक्निकल सलन चैनल को सब्सक्राइब करना। दोस्तों मिलते हैं किसी और नेक्स्ट वीडियो में।